सुनील, करियर क्रिएटर से मैं फैकल्टी। आज आपको करियर क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर बेस्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ। आज हमारा सेकंड डे है। फर्स्ट डे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर बेस्ड सारी परिभाषाएँ मतलब डेफिनेशंस हम लोगों ने समझी थी। आज उन्हीं पर बेस्ड कर रहे होंगे हम लोग, क्वेश्चन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं कैरियर क्रिएटर प्लस ऐप पर भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो मैं अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कोर्स है। वहाँ मैं पूरा अर्थमेटिक और पूरा एडवांस आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे चाहें तो वो कोर्स भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं और वहाँ पर भी वो उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, जीरो क्या है? तो बताइए बच्चों, जीरो क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जीरो क्या है। इन ऑप्शन में से जीरो क्या है कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन बार बार कमेंट नहीं पढ़ेंगे आप, केवल ध्यान समझेंगे और उनका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों? देखिए तो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिए। शून्य क्या है, जीरो क्या है? आप देखिए शून्य क्या है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनका प्रयोग गिनते समय किया जाता है, जिनका प्रयोग गिनते समय किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपको घर पर कोई वस्तु गिननी हो, कैसे गिनेंगे बच्चों? तो हम कहाँ से गिनते हैं? तो एक से गिनते हैं, ये एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, चार वस्तु। शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चों? एक से करते हैं। मुझे इस क्लास में मान लो टेबल गिनना है, तो मैं कहूँगा पहली टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, इस प्रकार काउंट कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए नेचुरल नंबर क्या होते हैं जिनका प्रयोग गिनते समय करते हैं? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, डॉट 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 इन्फिनाइट तक नंबर जिसमें जीरो शामिल ना हो, जीरो शामिल ना हो, उन नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। गिनते समय हम जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हम जीरो को गिन नहीं सकते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स। तो बच्चों इंटीजर की मैंने क्या परिभाषा बताई थी? तो बताइए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर को हम इंटीजर्स कह सकते हैं। जो पूर्णांक संख्याएं हों, जो पूरी संख्याएं हों, कंप्लीट नंबर हो, जैसे जीरो, जीरो एक कंप्लीट नंबर है और ये क्या है बच्चों, उदासीन पूर्णांक है। ठीक है भाई, उदासीन पूर्णांक है या इंग्लिश में न्यूट्रल, न्यूट्रल है बच्चों, या न्यूट्रल इंटीजर्स है, ये न्यूट्रल इंटीजर्स है। जीरो के बाद आपको पॉइंट के नंबर नहीं लेने हैं, रेशनल नंबर नहीं लेने हैं, सीधे कंप्लीट नंबर लेना है। तो बच्चों ये एक, एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। और बढ़ते जाओगे बच्चों तो माइनस इन्फिनाइट तक जाओगे तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लस के इन्फिनाइट तक जाओगे ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एक से लेके अनंत तक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। माइनस वन नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस टू नेगेटिव इंटीजर्स, जाओगे बच्चों माइनस के इन्फिनाइट भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे तीन टाइप के होते हैं और इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव और बच्चों जेड न्यूट्रल, राइट। ये मैंने आपको परिभाषा के दौरान समझाया था। तो जीरो क्या पूर्णांक में आता है? यस भाई, जीरो पूर्णांक में आएगा। जीरो क्या है, न्यूट्रल इंटीजर्स है, न्यूट्रल इंटीजर्स है या हिंदी में उदासीन पूर्णांक है। पर पूर्णांक तो है ना भाई, तो हम कहेंगे यस सर पूर्णांक है। शून्य क्या है, पूर्णांक है। क्या शून्य धनात्मक पूर्णांक है? नहीं, क्यों? धनात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होते हैं बच्चों, एक से। धनात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होते हैं बच्चों, एक से। ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होते हैं बच्चों, माइनस वन से। तो ऋणात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होते हैं बच्चों, माइनस वन शुरू होते हैं। तो हम कहेंगे ये भी हमारा
आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, केवल शून्य पूर्णांक है, ये कह सकते हैं शून्य पूर्णांक है, क्लियर है। तो पहले का आंसर हमारा क्या है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप उस समय कमेंट किया करें यस और नो कि हाँ सर समझ में आ गया है। सारे कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि उतना टाइम हम बेस्ट नहीं करते कि कमेंट पढ़ें और आपका रिप्लाई दें। हाँ अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो मैं उसका आंसर आपको तुरंत दूंगा, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो चीज़ों को समझने की। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सी संख्या इरेशनल नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है बच्चों, ध्यान देना। आप बताओ क्या ये इरेशनल नहीं, पहले तो इसी का मतलब समझो, बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं, अपरिमेय नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, परिमेय संख्या पूछ रहा हूं। अपरिमेय नहीं होने का मतलब होता है बच्चों परिमेय होना, राइट ना। तो इरेशनल नॉट कह रहे हैं ना बच्चों, इरेशनल नॉट। तो इरेशनल नॉट का मतलब होता है बच्चों रेशनल होना, मतलब बच्चों हमें रेशनल संख्या ढूंढनी है, अपरिमेय नहीं ढूंढनी है। इसका मतलब हुआ कि परिमेय ढूंढनी है। तो इनमें से बच्चों अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो अपरिमेय नहीं का मतलब होता है रेशनल ढूंढो। तो क्या बताओ ये रेशनल है, तो आप कहोगे हाँ सर ये रेशनल है। क्यों रेशनल है, मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की डेफिनेशन समझाई थी उस समय मैंने कहा था जो नंबर रिपीटिंग होगा, जो नंबर रिपीटिंग होगा पुनरावर्त होगा, वे नंबर हमेशा क्या होंगे रेशनल होंगे, वे नंबर हमेशा क्या होंगे बच्चों रेशनल होंगे। ये रिपीट हो रहा है क्योंकि बार लगा है, तो 0.38 पे बार का मतलब होता है बच्चों 0.38888 चलता ही जाएगा। तो यहाँ कौन रिपीट हो रहा है बच्चों, 8 रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर एक परिमेय नंबर होगा। रिपीटिंग फ्रैक्शन को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं, ऐसा मैंने आपको डेफिनेशंस में समझाया है। हाँ जो बच्चे अगर डेफिनेशन नहीं पढ़े हैं तो वो इस वीडियो के बाद पहले क्या करना है, पहला वीडियो देखना है, उसके बाद इसको एक बार फिर देखना है, आपको समझ में आएगा। जो बच्चे आज ही जुड़े हों वो क्या कर रहे हैं, पहले पहला वीडियो देखें उसके बाद फिर इसको एक बार फिर देखें, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका होता है, क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो जीरो पॉइंट हटेगा बच्चों, जीरो और पॉइंट हटेगा तो इस पर क्या आएगा, ये बार हटेगा, तो आपको मैंने बताया था कि बार हटता है तो अपॉन में 9 आता है। तो यहाँ से बच्चों बार हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आएगा, 9, बार हटेगा अपॉन में 9 आएगा। कितने अंकों बार है, एक अंक पे बार है तो बच्चों 1 9 आएगा। जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा और उसके लिए 0 आएगा, जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा और वो अपॉन में आएगा। इसका वैल्यू आएगा बच्चों 35/90, 35/90। आप चाहो तो चेक कर लीजिए, है ना, इसे और काट दूंगा तो 5 7 35, 5 1 5, 4 5 8 40। और ये बच्चों एक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5 या 4 बचेगा बच्चों 5 8 40। तो 7/18 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये हमारी क्या है बच्चों परिमेय संख्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये 9 कैसे आ गया, तो बच्चों इसकी बात हम आगे कर रहे होंगे, जब हम क्या पढ़ रहे होंगे फ्रैक्शंस पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको ये 9 कैसे आता है और ये 0 कैसे आता है, ये माइनस क्यों होता है। अभी मैंने आपको इतना बताया है कि 9 आता है, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप चाहो तो 18 का 7 भाग करके देख लो, यही नंबर आपका आ रहा होगा। पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, देखो 18 3 54, 10 में 4 गए बच्चों 6 बचेगा, यहाँ 6 5 का 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाएंगे, 18 8 8 8 64 की 4 हासिल 6 जाएगा, 8 1 14, 18 8 144 होते हैं बच्चों, बचेगा कितना, फिर से 16 देखो, फिर 16 बचा, इसका मतलब वापस 8 8 रिपीट होगा, क्लियर बच्चों। तो ये 8 8 रिपीट होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, ये आपको प्रूव कर दिया कि इसका वैल्यू देखो ये आ रहा है। तो बच्चों ये क्या है हमारा परिमेय, तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, पहला ही है, तो हमारा आंसर पहला ही है, ठीक है बच्चों। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर पाई क्यों नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 3.14
और ये चलता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। इसके दशमलव के बाद हजारों अंक आने वाले हैं, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे किसी को नहीं पता, और कौन रिपीट होगा या नहीं होगा ये भी किसी को नहीं पता। तो भाई ये किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो बच्चों इसका पॉइंट हम हटा ही नहीं सकते, बताओ अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे किसी को नहीं पता, राइट। तो इसे मैं पी अपॉन क्यू में नहीं लिख पा रहा हूँ। हाँ, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, ये ध्यान देना, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता। इसका अप्रोक्स वैल्यू ये होता है बच्चों, अगर मैं इसे काटूंगा तो ये रिपीटिंग होगा, आप काट के देखना, ये 7 को 22 से काटूंगा तो वहाँ एक स्लॉट बनेगा, वो पूरा क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, और रिपीट हो रहा है बच्चों तो ये क्या होगा, हमारा एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए पाई क्या है बच्चों, अगर कभी कोई पूछ भी ले तो पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, 3.14 का अप्रोक्स वैल्यू 22/7 होता है। आप घर पे अगर 22 में 7 का भाग देंगे तो आप देख रहे होंगे कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा, एक पूरा स्लॉट आएगा है ना, वो रिपीट हो रहा होगा, राइट बच्चों, वो रिपीट हो रहा होगा, आप चेक करके देख लेना। हाँ भाई, अब रूट 50 क्यों नहीं है बच्चों, तो बताइए रूट 50 क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों इसका अगर मैं हल करूँगा तो 2√25 इसका आंसर आएगा, सॉरी इसे मैंने गलत लिखा है बच्चों, ये क्या आएगा 25 × 50 लिख सकते हैं, इसे हल करूँगा 5√2 आएगा, और √2 को आप हल नहीं कर सकते क्योंकि इसका वैल्यू भी मैंने बताया था, √2 का वैल्यू भी क्या होता है बच्चों 1.414 अनंत तक होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय में 5 से गुणा करोगे तो भी वो अपरिमेय आएगी, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। और ऐसे ही Q60 को भी आप हल नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि Q60 को आप कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, तो बच्चों आप इसको भी हल नहीं कर पाओगे, तो इसका भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, तो ये भी क्या है बच्चों, हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो ये अपरिमेय, हाँ इसकी है बच्चों, अगर मान लो 64 होता तो 64 कमेंट करिए किसका क्यूब है, तो 64 किसका क्यूब है, तो आपका सर 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब क्या होता है, तो ये हल कर पाओगे, 4 आ गया, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, तो बच्चों वो क्या हो जाता है, P/Q बन जाता। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, हमें चाहिए थी अपरिमेय नहीं, तो हमारा आंसर क्या बच्चों, ये पास में आ गया आंसर, तो बहुत पहले ही हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन ये मैंने क्यों बताया, इससे आपको ये पता पड़ पाए कि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो वो सब क्या होंगे बच्चों, वो सब अपरिमेय होंगे। हाँ, या 50 गया रूट 25 आ जाए तो आप कहोगे हाँ ये परिमेय है, ये रेशनल है, क्योंकि इसे हल करके 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अर्थात बच्चों एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्लियर। तो हमारा ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, बस मैं आपके किसी के नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है बच्चों। तो जल्दी से बताइए मुझे क्या इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके पास भी टाइम कम होता है, मेरे पास भी टाइम कम होता है, तो बस क्या करना है बच्चों, मैं समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो हमें गलत कथन ढूंढना है बच्चों, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए क्या बात सही है। हाँ भाई, ये बात कैसी है हमारी, सही है, हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब क्यों होती है बच्चों, छोटी सी बात है जानिए, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं जो नंबर लाइन पर दिखा सकें, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं जो नंबर लाइन पर दिखा सकें, राइट ना। तो देखो नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं जीरो, क्या नंबर लाइन में हम जीरो दिखा सकते हैं, हाँ भाई एक, हाँ भाई -1, हाँ भाई 2, हाँ भाई -2, तो हाँ भाई ये सब क्या होते हैं बच्चों, हमारे रियल नंबर के एग्जांपल हैं। रियल नंबर किन्हें कहते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है पूरा। अब मुझे बताओ कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है जो P/Q के फॉर्म में हो, तो मुझे बताओ क्या जीरो के बाद तुरंत एक आता है क्या, नहीं। देखो इतना जगह खाली डला है ना बच्चों,
इतना जगह खाली ड्राइव, देखो जो ध्यान देख रहे हो आप, ध्यान से देखेंगी तो आपको दिख रहा होगा इतनी लाइन बीच में खाली है। देखो इतनी लाइन बीच में क्या है बच्चों, हमारी खाली डली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के बाद तुरंत एक नहीं आता, जीरो के बाद तुरंत एक नहीं आता, राइट ना भाई, जीरो के बाद तुरंत एक नहीं आता। इनके बीच में और भी नंबर होते होंगे, तो इनके बीच में बच्चों अपरिमित नंबर होते हैं। ये वर्ड अच्छे से याद कर लो, अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है इनफिनाइट नंबर होते हैं बच्चों, इनफिनाइट नंबर होते हैं। इनफिनाइट माने बच्चों अनंत नंबर होते हैं इनके बीच में। ये क्वेश्चन भी बना है कि दो इंटीजर्स के बीच कितने नंबर होते हैं, तो अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इंटीजर्स नहीं होगा, अनंत परिमेय संख्या होंगी। कहाँ है वो परिमेय संख्या, देखो जीरो के बाद, मुझे बताइए क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ? जीरो के बाद 0.1 होता है, और 0.1 होता है तो बच्चों इसे मैं लिख सकता हूँ 1/10, और देखो ये एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या भी तो बच्चों नंबर लाइन पे ही है, बोलो हाँ है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। जैसे मैं बात करूँ कि जीरो और एक के ठीक बीच में क्या होगा बच्चों, जीरो और एक ठीक बीच में क्या होगा, 0.5 भी होगा, अरे 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.4 भी होगा, 0.5 भी होगा, बोलो हाँ है ना? और 0.5 का मतलब हुआ ऐसे, अगर हल करूंगा तो 1/2 आएगा बच्चों। कैसे, 5/10 लिख रहा हूँ, ये जानते होंगे आप कि पॉइंट को आता हटाता हूँ तो पॉइंट को हटा के जीरो आता है, तो इसे हल कर दूंगा तो 1/2 आएगा बच्चों। और 1/2 कहाँ होगा, 1/2 माने हाफ, और हाफ कहाँ होता है बच्चों, जीरो से बड़ा और एक से छोटा। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है भाई, और ये भी तो कहाँ है, नंबर लाइन पे है भाई। तो अगर ये नंबर लाइन पे है तो मुझे बताइए बच्चों, मुझे तो ये क्या ये कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब क्या हर परिमेय संख्या नंबर लाइन पे होती है? तो हाँ सर, दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो सब कहाँ होंगी, नंबर लाइन पे होंगी, और नंबर लाइन पे अगर हैं तो वो रियल नंबर होंगे। और बच्चों यही नहीं, हर अपरिमेय संख्या भी नंबर लाइन पे होती है, ये भी मैंने बताया था बच्चों। तो पहली चीज ध्यान रखो कि परिमेय संख्या तो नंबर लाइन पे होती ही होती है, परिमेय संख्या तो रियल होते ही होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते ही होते हैं, अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर होते हैं, करेक्ट? मतलब इंग्लिश में बोलूं तो रेशनल नंबर तो परिमेय होते ही होते हैं, इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं बच्चों, हमारे रियल नंबर होते हैं। अब कैसे बच्चों, तो मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था कि जीरो के बाद एक, एक के बाद अगर दो आएगा, तो मुझे बताओ अभी 2 मिनट पहले ही समझाया था, क्या √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्या √2 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं। तो अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1.414 अनंत होगा। तो बताओ ये √2 का जो मान है बच्चों, 1.4, मतलब एक से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो ये 1.414 भी तो कहीं यहीं कहीं होगा, ठीक बीच में नहीं होगा लेकिन होगा तो यहीं कहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1.414 होता है, तो ये एक से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो बताओ ये कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में ही तो होगा भाई। तो 1 और 2 के अगर बीच में होगा तो मुझे बताइए क्या अपरिमेय संख्या भी नंबर लाइन भी होती है? तो बच्चों अगर अपरिमेय संख्या भी नंबर लाइन पे होती है तो मुझे बताइए क्या ये वाली बात सही होगी, डी नंबर, देखो तो डी नंबर भी क्या है बच्चों, हमारी सही है, सही है मतलब ट्रू है। ये क्या कह रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इसका हिंदी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात भी कैसी बच्चों, ट्रू है। तो आप बताओ हमारी कौन कौन सी बच्चों बात ट्रू हो चुकी है अभी तक, बताइए। क्या मैंने समझा अभी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक होती है, हाँ भाई, क्योंकि हर परिमेय संख्या नंबर लाइन पे होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, हाँ भाई, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होती है। अब बच्चा बच्चों क्या तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखो, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है? क्या हर वास्तविक संख्या परिमेय होती है? ऐसा नहीं है बच्चों, हर वास्तविक संख्या, ये कह रहे हैं बच्चों हर वास्तविक संख्या परिमेय होती है। तो बताओ बच्चों, जीरो वास्तविक है, परिमेय भी है क्योंकि इसके बटे में एक ले सकते हो, जीरो एक परिमेय संख्या बच्चों है ना, तो जीरो क्या है, हाँ ये वास्तविक भी है और परिमेय भी है, ये बात सही है। लेकिन मुझे बताओ एक, एक
पर में है। हाँ भाई, क्योंकि इसके बटे में भी हम चाहें तो एक लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये एक वास्तविक भी है और पर में भी है। दो दो वास्तविक भी है और पर में भी है, क्योंकि बटे में एक लिख सकते हो। लेकिन बताओ, एक और दो के बीच में अभी समझाया, रूट टू भी दो होता है बच्चों, क्या रूट टू के बटे में एक लिख पाओगे? हाँ लिख तो पाएंगे, लेकिन बताओ बच्चों, क्या रूट टू का वैल्यू हल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और हल नहीं कर पाओगे तो पॉइंट हटा के कितने जीरो आएंगे पता नहीं है बच्चों। तो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और वास्तविक भी है। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, पर मैं कह रहा हूं कि कुछ वास्तविक संख्याएं तो अपरिमेय भी होती हैं, कुछ वास्तविक संख्या तो अपरिमेय भी होती हैं। तो बच्चों ये बात इनकी कैसी है? गलत है। ये बात इनकी कैसी है बच्चों? गलत है। क्यों गलत है बच्चों? समझ में आ गई ना आप लोगों को बात? क्यों गलत है बच्चों? अब कहोगे हाँ सर समझ में आ गई। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों हम कहेंगे कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं। तो ये कह रहे थे सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो ये बात गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। हाँ भाई, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ये बात सही है। क्यों होती है? खुद देखिए आप, पूर्ण संख्या कहने कहते हैं डब्लू, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? एक, सॉरी, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच और अनंत तक। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी कि जीरो से लेके अनंत तक के सारे नंबर, जीरो से लेके अनंत तक के सारे नंबर क्या होते हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और बताओ ये पूर्ण संख्याएं जो हैं क्या इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर्स किने कहते हैं जो नंबर लाइन पे हो बच्चों? तो बच्चों आप बताओ, जीरो इंटीजर है? हाँ भाई, जीरो एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? तो आप कहोगे सर जीरो उदासीन पूर्णांक है। जीरो क्या है हमारा? न्यूट्रल इंटीजर्स नंबर है, न्यूट्रल है बच्चों, ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। एक हमारा क्या है बच्चों? एक क्या है हमारा? तो धनात्मक पूर्णांक। क्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है। और माइनस एक क्या है बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक है, पहले सवाल में भी समझा चुका हूँ। तो हाँ भाई, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, मतलब हर पूर्ण संख्या एक इंटीजर होती है। बात क्लियर है बच्चों? तो हमारे बताओ ट्रू कौन कौन से हैं? डी ट्रू है, सी ट्रू है, ए ट्रू है, पर ये नॉट ट्रू है, और हमें नॉट ट्रू ही ढूंढना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। आप क्वेश्चन किया करो, जब तक क्वेश्चन आप खुद नहीं करोगे आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो क्वेश्चन पढ़िए और किया करें, क्वेश्चन क्या है उसे समझा करें और करने की कोशिश भी किया करें। चलो देखिए बच्चों, तो मुझे बताइए इसका आंसर आपने कमेंट किया होगा। देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है, समझो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन के बारे में विचार कीजिए? कथन के बारे में विचार करना है आपको। पहला कथन है बच्चों, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्याओं के परिमित, इस वर्ड पे ध्यान देना, परिमित संख्याएं होती हैं। परिमित संख्या माने बच्चों जिनकी संख्या निश्चित हो। इंग्लिश में पढ़ लो, देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमित संख्याएं होती हैं, मतलब निश्चित होती हैं। भाई ये गलत बात है, निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती। कैसी होती है बच्चों? अनिश्चित होती। कहाँ होती हैं सर अनिश्चित? समझाओ मुझे अनिश्चित कहाँ होती हैं। देखो बच्चों अनिश्चित कहाँ होती हैं समझना, अनिश्चित कहाँ होती हैं समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो दो परिमेय संख्या, तो मुझे बताइए सब बच्चे लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को? आपको हाँ सर दिख रहा है। देखिए बच्चों क्या है होती है, तो समझो, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि जीरो के बटे में जीरो बटे एक लिख सकते हो। क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ भाई एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है और एक भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम जीरो बटा एक लिख सकते हैं। तो ये पी बटा क्यू बन गया, ये परिमेय संख्या है बच्चों। एक को मैं एक बटा एक लिख सकता हूँ, तो ये भी पी बटा क्यू बन गया बच्चों। आप कहोगे हाँ सर ये बात समझ में आ गई होगी मुझे। तो मुझे सब बच्चे बताइए, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? हाँ। एक एक परिमेय संख्या है? हाँ। इनके बीच में ये कह रहे हैं परिमित संख्या होंगी, परिमित माने फिक्स, और हम कहेंगे सर फिक्स नहीं होती हैं, तो बहुत सारी होती हैं। देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,
0.7, 0.8, 0.9। अब एक बच्चा बोला होगा कि सर ये तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब तो 1.0 आएगा, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ 1.0 आएगा, ये बात सही, एक आ गया मतलब। लेकिन बताओ बच्चों, क्या मैं ज़रूरी है कि 0.1 ही लिखूँ? इससे भी छोटी संख्या लिख दे रहा हूँ लोग, 0.01, ये भी तो इन्हीं के बीच में होगी, बताओ 0.01 भी तो इन्हीं के बीच में होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, तो फिर 0.02, 0.03, और ऐसे बच्चों अगर मैंने एक जीरो लगाया तो मैं चाहूँ तो एक जीरो और लगा सकता हूँ, 0.01, 0.02, 0.03, मैं चाहूँ तो तीन जीरो लगा सकता हूँ, मैं कितने भी जीरो मान सकता हूँ। क्या इसकी कोई लिमिट है बच्चों? कोई लिमिट नहीं है, कोई परिमित संख्या नहीं। तो बच्चों हम कह रहे थे इनकी बात पहली गलत हो गई, इनकी बात जो पहली थी वो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्या आप समझ पाए? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत मतलब अपरिमित, अपरिमित संख्याएं होती हैं, परिमित नहीं। तो बच्चों परिमित नहीं होती हैं, अपरिमित होती हैं, बात समझ में आ गया बच्चों? तो परिमित नहीं, अपरिमित संख्याएं होती हैं। पहला बात कैसा है, गलत, ये कह रहे हैं परिमित होती हैं, जबकि आंसर क्या होगा बच्चों? अनंत होती हैं, अपरिमित, तो गलत हो गया बच्चों। दूसरा, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की अनंत संख्याएं होती हैं। क्या होती है बच्चों? अनंत कहो या अपरिमित कहो एक ही बात है, अनंत कहो या अपरिमित कहो एक ही बात है। इंग्लिश में देखो इन्फिनाइट नंबर होते हैं, हाँ भाई इन्फिनाइट नंबर होते हैं, ये बात सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की एक परिमेय संख्या होती है, ये कह रहे हैं इरेशनल नंबर परिमित होते हैं, ये भी गलत बात है बच्चों, परिमित नहीं होते हैं। चाहे परिमेय पूछूं तो ये अपरिमित हैं, और चाहे अपरिमेय पूछूं तो ये भी अपरिमित है। इंग्लिश में बोलूं तो रेशनल नंबर भी इन्फिनाइट हैं और इरेशनल नंबर भी इन्फिनाइट होते हैं, चाहे रूट टू होगा, रूट थ्री होगा, रूट सेवन होगा, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं बच्चों। तो ये भी हमारी बात कैसी है, गलत है। तो इसका आंसर है ओनली टू, ओनली टू, क्लियर बच्चों? तो ओनली टू नंबर, क्लियर, ये समझ में आ गया बच्चों। अपरिमेय संख्या भी कैसी होंगी, कैसी होंगी बच्चों? तो हम कहेंगे बहुत सारी होंगी, अनंत होंगी, रूट टू, रूट थ्री, है ना, और भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं बच्चों, क्लियर। चलिए तो इसका आंसर ओनली टू होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको ढूंढना, कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको ढूंढना है, ढूंढी। पहला, एक ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है, ये बात तो बच्चों ट्रू है। क्या कह रहे हैं बच्चों? वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तब आपको बता चुका हूँ कि एक ना तो अभाज्य में आता है ना भाज्य में, क्लियर। तो बच्चों जो बोल रहे हैं अभाज्य, अभाज्य कहने कहते हैं जिसके टू फैक्टर हों, जिसके ओनली टू फैक्टर हों, वो क्या होते हैं बच्चों? अभाज्य, ठीक। और सबसे छोटा आवाज दो होता है, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक और दो। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन टू फैक्टर, वो क्या होते हैं? भाज्य। जैसे बच्चों चार, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर नेचुरल नंबर में देखें तो चार, नेचुरल नंबर में देखें तो चार है ना भाई। तो हमारा बच्चों एक क्या है? एक के ना तो दो से ज्यादा फैक्टर है ना दो फैक्टर है, इसका तो ओनली वन फैक्टर है। जिसका ओनली वन फैक्टर है उससे हम कहते हैं बच्चों ना तो भाज्य ना अभाज्य। तो ये पहली बात हमारी सही है, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये बात भी सही है बच्चों। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है बच्चों, जीरो कैसा है? न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। तीसरा देखो, तीसरा कह रहे हैं बच्चों यदि P और Q इवन नंबर हैं, इफ P एंड Q इज इवन नंबर, मतलब P और Q दोनों ही इवन है, ध्यान रखना ये भी एक सम संख्या है और बच्चों ये भी एक सम संख्या है ना। इंग्लिश में बोलूं तो ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है भाई। तो दोनों ही क्या है हमारे? एक इवन नंबर है बच्चों, ये भी एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है। तो P और Q हमेशा सम होंगे ऐसा नहीं है बच्चों, P और Q हमेशा सम होंगे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? छोटी सी बात है, आप जानते होंगे, देखो ध्यान से, क्या जानते होंगे आप समझो, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूँ। अगर मैं एक इवन नंबर लूँ और एक ऑड नंबर लूँ,
तो रिजल्ट क्या आएगा उच्च, तो भी तो इवन ही आएगा। हिंदी बोलूँ तो एक सम संख्या लूँ और एक विषम संख्या लूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, सम ही तो आएगा। तो एक इवन और एक ऑड भी तो सम होता है भाई। कैसे, एग्जांपल देखो, ये चार लिया, ये तीन लिया, चार तीन बारह, देखो चार सम है तीन विषम है, तो बच्चों क्या आ रहा है, बारह। तो एक सम एक विषम भी तो सम हो सकता है। जबकि ये कह रहे हैं कि पी और क्यू, ध्यान दो, पी और क्यू हमेशा सम होंगे, तो भाई ऐसा तो नहीं है, हमेशा तो कुछ भी नहीं होता, तो हमेशा सम नहीं होंगे, ये बात गलत है, ये बात एक गलत है बच्चों। तो ये कथन सही नहीं है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इसका आंसर ये है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे लो, और यहाँ एक चाहो तो नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। मैंने क्या बताया था कि एक इवन लो और एक ऑड लो, तो रिजल्ट याद रखो हमेशा इवन आएगा। हिंदी में सम लो और एक विषम लो तो रिजल्ट बच्चों हमेशा सम आएगा, पहला बात। दूसरी बात नोट कर लेना आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लेना, एक इवन लो और दूसरा भी इवन लो तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। मतलब अगर सम का गुणा हम सम में कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा सम आएगा। विषम केवल एक ही परिस्थिति में आ सकता है, ऑड का गुणा अगर ऑड में करोगे तो रिजल्ट ऑड आएगा। मतलब विषम का गुणा अगर विषम में करते हैं तो बच्चों विषम आता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो हमारा ये वाला तो कथन कैसा हो गया, सही हो गया। सही का मतलब गलत हो गया, हमारा आंसर ये है, क्योंकि ये कथन गलत है और हम गलती छांटना है, विच नॉट करेक्ट, राइट बच्चों। रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सही है। रूट टू एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वैल्यू 1.414 डॉट इन्फिनाइट तक होता है। तो बच्चों आप कहोगे हाँ सर ये बात भी सही है, ये तीन सही हैं, ये गलत है और हमें गलती छांटना है, तो हमारा आंसर ये है। तो इसका आंसर सी है, ओनली सी, ठीक है भाई। अगला देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी वी डिस्टिनेट पॉजिटिव इंटीजर्स इफ ए एंड बी आर ऑड एंड सी इज इवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। बच्चे ध्यान देना, कैन नॉट बी ट्रू मतलब असत्य ढूंढना है। ए बी और सी अलग अलग धनात्मक पूर्णांक हैं, ए बी और सी अलग अलग धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि ए और बी एक विषम संख्या माननी है, ध्यान रखो, ए को हमें ऑड मानना है, बी को भी हमें ऑड मानना है, ये ध्यान देना, इसको भी हमें विषम मानना है और इसको भी हमें विषम मानना है, ये दो नंबरों को हमें विषम मानना है। बात समझ में आ गई बच्चों, ये दो नंबरों को विषम मानना है और सी एक इवन नंबर होना चाहिए, ये एक सम संख्या माननी है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तो कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों। हम क्या मान ले रहे हैं, ए को कुछ भी मान लो विषम। यहाँ देखो बच्चों माइनस हो रहा है, तो ए में सी माइनस हो रहा है, मतलब जब माइनस करते हैं तो बड़े में छोटा होता है बच्चों ना, बड़े में से छोटा हुआ, ये आपके लिए आसान होगा। ए को तीन मान ले रहा हूँ और बी को एक मान ले रहा हूँ, विषम है ना बच्चों, तीन और एक दोनों विषम है, और इवन को मैं सम मान ले रहा हूँ दो। चलो पहला चेक कर रहे हैं बच्चों हम लोग, ए माइनस सी इंटू बी स्क्वायर, ये कह रहे हैं बच्चों ऑड आएगा, ये कह रहे हैं ऑड आएगा, चेक कर लेते हैं ऑड आएगा कि नहीं आएगा। तो ए का मान बच्चों तीन, माइनस सी का मान दो, बी का मान एक रखा स्क्वायर, तीन में से दो गए एक, एक का स्क्वायर एक, यस ये ऑड आया बच्चों, ये ऑड आया, ये बात तो सही है बच्चों, पर हमें सही नहीं ढूंढना है, हमें गलत ढूंढना है। तो ये तो सही है बच्चों, तीन माइनस दो एक, एक का स्क्वायर एक, यस ये ऑड आ रहा है। दूसरा कथन क्या है बच्चों इनका, देखिए ए माइनस सी स्क्वायर इंटू बी, और ये कह रहे हैं ये एक इवन नंबर आएगा, चेक कर दो, ए का वैल्यू क्या मान लो बच्चों तीन, सी का वैल्यू दो का स्क्वायर करना है इंटू बी, बी का मान क्या बच्चों एक, तीन में से दो गए एक, एक का स्क्वायर एक, एक इंटू एक, एक, तो बच्चों ये तो एक आया और एक इज ऑड नंबर,
एक इज अ ऑड नंबर, एक क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर होता है, और ये कहते हैं इवन आएगा, तो यही बात कैसी है बच्चों, गलत है, यही बात गलत है। तो हमारा बच्चों आंसर यही होगा बी। तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है बच्चों, हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देखना, तो ये बात सही निकल रही होगी, ये बात सही निकल रही होगी, तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स कीजिए फिर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कौन सी संख्या ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये अभी बताई थी, सिंपल क्वेश्चन है, एक एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। चलिए अगला देखिए, कौन सी संख्या एक आदर्श संख्या नहीं है, कौन सी संख्या एक आदर्श संख्या नहीं है। तो बच्चों इसको मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट ए परफेक्ट नंबर। बच्चों परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, मैंने आपको एक डेफिनेशन समझाई थी, है ना, जिन बच्चों ने अगर मेरा पहला लेक्चर लिया होगा तो आपको पता होगा, मैंने आपको समझाया था कि आदर्श संख्या कहने कहते हैं किसी संख्या के परफेक्ट फैक्टर करिए, पूर्ण गुणनखंड करिए, और उन गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम परफेक्ट संख्या कहते हैं। फिर सुनो मैंने क्या कहा, किसी संख्या के परफेक्ट फैक्टर करिए, और वो उन परफेक्ट फैक्टर्स का सम उस संख्या के अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों, एक परफेक्ट नंबर होगा। जैसे एग्जांपल 6 के फैक्टर करिए, 6 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, ये इसके परफेक्ट फैक्टर हैं। आप कहोगे सर 6 से भी कटेगा, तो 6 इसका परफेक्ट फैक्टर नहीं है, 6 तो ये स्वयं संख्या है ना भाई, फैक्टर तो है लेकिन परफेक्ट फैक्टर नहीं है। तो 6 हमारा क्या है बच्चों, परफेक्ट फैक्टर नहीं है, केवल फैक्टर है, ध्यान देना बच्चों, 6 हमारा क्या है, एक फैक्टर है केवल 6। तो ये 6 को नहीं लेना है आपको, इन्हें ऐड करो, तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, यस देखो ये संख्या के बराबर आया, मतलब 6 एक आदर्श संख्या है। दूसरा एग्जांपल बच्चों देखो 30, 30 किससे कटेगा, 1 से, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा जाके अब तो सीधा, फिर 15 से कटेगा बच्चों, क्या और कटेगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर किसी से कटने वाला नहीं, फिर सीधे 30 से कटेगा, और 30 हमें लेना नहीं है बच्चों। इन्हें अगर ऐड करके 30 आ गया तो ये परफेक्ट नंबर होगा, ऐड करो 15 और 10 25 25 5 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36, तो इनका सम तो 36 आया बच्चों, और आना 30, तो यही है जो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, 30 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, राइट बच्चों, 30 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर यही है, आप चेक करना 28 को तो ये भी परफेक्ट नंबर आएगा, आप चेक करना 496 तो ये भी परफेक्ट नंबर आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर उठ रहा है तो क्या कि 496 के फैक्टर करते समय तो बहुत बड़े आएंगे सर, तो आगे हम एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे फैक्टर्स, जहां हम फैक्टर का सम निकालना बड़ी आसानी सीखेंगे, बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे, लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हम फैक्टर का चैप्टर ना पढ़ें। हम फैक्टर थ्योरम जब पढ़ेंगे तो फैक्टर थ्योरम में हम इसके सम करना बहुत आसानी सीख रहे होंगे, क्लियर, कि बहुत आसानी से हम फैक्टर का सम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए वेट करना होगा। तो अभी आप चाहो तो पूरा काट के देखना है, समझना है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए क्या होगा, और आप बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, है ना, जिससे आप लाइक और शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, जुड़ पाते हैं, तो ज़्यादा बच्चे अगर वीडियो को देख रहे होते हैं तो हम लोगों को भी क्या लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, और आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए क्वेश्चन हम लोग अपलोड करने में भी क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, बताइए बच्चों, ए और बी दो आभास संख्याएं हैं, ए और बी क्या हैं बच्चों, दो आभास संख्याएं हैं, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स। तो बच्चों ए को भी हमें एक प्राइम नंबर मानना है और बी को भी हमें एक प्राइम नंबर मानना है, दोनों को ही हमें एक प्राइम नंबर मानना है, मान लेंगे, ए इंटू बी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आपसे क्या कहा मैंने, अगर आपको अचानक दिमाग में नहीं आ रही बातें तो आप क्या करो, यहाँ कोई भी दो प्राइम नंबर मान लो, ए को 2 मान ले रहा हूँ, बी को 3 मान ले रहा हूँ, ये दुनिया के दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई लगातार प्राइम नंबर होते ही नहीं है, केवल बताइए अगर होते हों तो,
नहीं होते ना भाई, दो और तीन लगातार प्राइम नंबर यही है बस, है ना बच्चों, जो पी और पी प्लस वन के रूप में है, बस यही नंबर है ना भाई, ध्यान देना। तो ये ध्यान रखना, ये काम भी आएगा आप लोगों को, है ना बच्चों, ध्यान देना, ये चीज़ आपको काम भी आएगी। हमें याद कर लो कि दो और तीन ही दुनिया में ऐसे नंबर हैं जो कॉन्सिक्यूटिव हैं और प्राइम हैं। दो और तीन के अलावा दुनिया में कोई आबाद संख्याएं नहीं है जो लगातार हो सकती हैं। लगातार माने जिनमें प्लस वन का डिफरेंस हो, मतलब इनमें एक का डिफरेंस हो। चलो अब ए इंटू बी के बारे में क्या कहेंगे तो बताओ। ये दो गुणा तीन, दो तीन छः, ये कह रहे हैं मस्ट बी ऑड, मतलब ऑड ही होना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों मस्ट, इंग्लिश में लिखा है ध्यान देना, विषम ही होना चाहिए। तो कहाँ है बच्चों, सम आ रहा, देखो ये कह रहे हैं विषम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चों, गलत है, विषम ही होना चाहिए। कैसे हो जाएगा सर, हम कहेंगे एक इवन एक ऑड, अभी समझाया था, एक इवन एक ऑड क्या होता है, अच्छे होगा। अगर मैं कुछ और ही मानता हूँ बच्चों, देखो यहाँ तीन मान लेता हूँ, या कुछ और मान लो, चलो या पाँच मान लो, या सात मान लो भाई, अगर दो मान लोगे ए इंटू बी तो क्या आएगा, 5 × 7 आएगा, 35 आएगा। तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, पर ये इनने बोल दिया मस्ट, मस्ट माने होता है होना ही चाहिए, ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं भाई ये गलत है, नहीं होगा, मस्ट बी इवन ये भी नहीं कह सकते। ये कह रहे मस्ट बी इवन, मतलब इवन ही होगा। नहीं भाई, दुनिया में एक ही अभाज्य संख्या है, समय दो, इसके अलावा भी तो अभाज्य संख्या हो सकती है, 5 7। तो यहाँ ए और बी क्लियर हो गया, दो ही होगा भाई, 5 7 हो, 7 11 हो, 13 11 हो, बहुत नंबर हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं मस्ट भी इवन, इवन ही होगा, ऐसा नहीं है बच्चों, देखो ऑड भी हो सकता है, तो ये बात भी गलत है। मे बी इवन, हाँ भाई ये बात सही है, मे बी इवन, तो बच्चों ये एक संभावना है, मे बी इवन ये एक संभावना, ये हो सकती है। तो बच्चों इसका आंसर यही है, मे बी इवन संभावना है बच्चों, पॉसिबिलिटी है कि संभावना है कि सम हो सकती है। यहाँ देखो सम हो रही है ना भाई, तो मे बी इवन, हाँ सम हो सकती है बच्चों, सम हो सकती है, मे लिखा है, मे माने संभावना होता है। मे बी रेशनल, मे बी रेशनल मतलब परिमेय संख्या हो सकती है, तो परिमेय हो नहीं सकती भैया, परिमेय होगी, क्योंकि कोई भी गुणा करोगे दो अभाज्य संख्याओं का तो बच्चों एक कोई नंबर तो बन रहा होगा, और जो भी नंबर बन रहा होगा बच्चों वो बटे में एक मान सकते हो उनकी, तो 6/1, 35/1, तो ये एक परिमेय संख्या होएगी ही होएगी। तो यहाँ मे नहीं आएगा बच्चों, यहाँ मस्ट होना चाहिए था। तो ये कह रहे हैं मे बी रेशनल, गलत बात है, गलत बात है भाई, मे बी नहीं मस्ट बी रेशनल। तो बच्चों ये भी हमारा गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है। हमारा आंसर मे बी इवन, संभावना है कि एक सम संख्या हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बी। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इसका बी होगा, करेक्ट है, क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, इसी जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे यदि पी और पी प्लस वन, यदि पी और पी प्लस वन दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, पी और पी प्लस वन दोनों ही क्या है बच्चों, अभाज्य संख्याएं। ये अभी बताया दुनिया में ऐसी संख्याएं जो पी और पी प्लस वन के रूप में हों, मतलब जिसमें प्लस वन का अंतर हो, ऐसी दुनिया में एक ही संख्या है। पी का मान दो मान लो बच्चों, ये 2 + 1 3, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पी का मान दो ही होगा बच्चों। ऐसी संख्याएं जो पी और पी प्लस वन के रूप में होती हैं, दुनिया में ऐसी केवल दो ही संख्याएं, एक 2 और एक 3, तो यहाँ पी का मान 2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो पी माइनस वन के बारे में क्या ख्याल है, तो पी माइनस वन के बारे में निकालना है बच्चों, पी माइनस वन के बारे में क्या ख्याल है, तो बताइए पी माइनस वन के बारे में, पी का मान क्या निकला बच्चों, तो आप कहोगे पी का मान निकला बच्चों 2, और यही इकलौता मान है, पी का मान 2, 2 - 1, आंसर 1 आएगा। तो पहला ऑप्शन है इट इज ए प्राइम नंबर, यह एक अभाज्य संख्या होगी। नहीं भाई ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, एक अभाज्य संख्या नहीं होती। इट इज ए कंपोजिट नंबर, या एक भाज्य संख्या है। तो भाई बताओ सब बच्चे मुझे कमेंट में, क्या एक भाज्य है, नहीं, क्या एक अभाज्य है, अभाज्य भी नहीं है बच्चों। इट इज स्क्वायर ऑफ कंपोजिट नंबर, यह एक भाज्य संख्या का वर्ग है, भाज्य संख्या का वर्ग है। अरे भाई भाज्य ही नहीं है तो वर्ग कहाँ से होगी, भाज्य ही नहीं है तो ये तीन ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए।
इट हैज ओनली वन फैक्टर, इसका केवल एक फैक्टर है, गौणखंड है। ये बात सही है बच्चों, इसका केवल एक ही क्या है, गौणखंड है। ये हमारी बात कैसी है, बिल्कुल सही है, इसका केवल एक ही गौणखंड है। ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, डी ऑप्शन। क्या है बच्चों हमारा, डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, यदि इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इवन, इफ एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड वाई इज ए नेगेटिव ऑड इंटीजर देन एक्स वाई इज। एक्स क्या है यहाँ, धनात्मक संपूर्णांक, मैंने देखा नहीं सम भी लिखा है, संपूर्णांक मतलब 2, 4, 6, 8, और ये विषम पूर्णांक है -1, -3, -5। तो आप जानते हो अभी सिखाया था कि एक्स वाई क्या होगा, ये एक इवन नंबर है भाई, मेरे देख ही पता पड़ रहा है, एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, तो यहीं से पता पड़ रहा है ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। एक इवन एक ऑड का इंटू करोगे तो हमेशा इवन आएगा, आंसर इवन। एक इवन एक ऑड का इंटू करोगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, इवन इंटू ऑड, ऑलवेज ऑलवेज इवन। चलो क्लियर है भैया, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए इसका क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को और जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब कथनों में विचार करना है। किसी भी लगातार तीन पूर्णांक गुणा 6 से कटेगा, कोई भी तीन लगातार पूर्णांक संख्या ले लीजिए भाई, कोई भी तीन लगातार संख्या ले लीजिए, क्या ये संख्याएं 6 से कटेंगी, देखो चेक करो, कोई भी तीन ले ले रहे हैं, 2, 3, 4, क्या लगातार पूर्णांक हैं, हाँ भाई लगातार पूर्णांक हैं, देखो कॉन्सिक्यूटिव हैं, इंटीजर्स हैं, हाँ भाई गुणा करो इनका, 2, 3, 6, 4, 24, तो इनका गुणा करेंगे 24 आएगा, क्या 24 6 से कटेगा भाई, हाँ कटेगा। अब आप कहोगे सर यही क्यों लिए, तो कुछ भी ले लो, 5, 6, 7, अरे भाई कोई भी लोगे, अब एक सम संख्या हमेशा आने वाली है, 5, 6, 7, 5, 6, 30 का गुणा करोगे, देखो इनका गुणा करोगे तो बच्चों गारंटी है कि 6 से कटेगा, 5, 6, 30 और 7 गुणा करोगे 21, और वैसे देखो इसमें 6 आ रहा है, 6 का मल्टीपल है, कटेगा कटेगा, कोई भी ले लो 1 × 2 × 3, तो भाई 2 और 3 तो आ गया ना, 2 और 3 से बनता है 6, तो 6 किससे बनता है, 2 और 3 से बनता है, तो हमारा बच्चों क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। किसी भी पूर्णांकों को तीन रूप में, 3k+1 और 3k+2 के रूप में लिख सकते हैं क्या, तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, शर्त भी दी है इनने, जहाँ के एक पूर्णांक है, के एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, आप कुछ भी मान सकते हो, 1, 2, 3, 4, तो बताओ 3 × 1, 3 × 1+1, 3 × 1+2, तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, हाँ ये एक पूर्णांक है, तो क्या ये एक पूर्णांक होगा, तो कहोगे हाँ। इन्हें क्वेश्चन क्या था बच्चों, किसी भी पूर्णांकों को तीन रूपों, 3k, 3k+1, 3k+2 में व्यक्त कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों, तो इसका आंसर क्या है, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही क्या है बच्चों, करेक्ट हैं, इसके दोनों ही क्या है हमारे, करेक्ट हैं। तो बच्चों आए हम लोगों ने ये 16 क्वेश्चन किए, या जितने भी क्वेश्चन किए देख लेना, तो बच्चों इतने क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, और सारे क्वेश्चन A to Z लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल नए क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है, इन क्वेश्चनों के PDF आपको कैरी क्रिएटर बाई सुनील सर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करें, वहाँ से निकालें और लगाएं, अदरवाइज इस वीडियो को ही आप बार बार देखें, और वहाँ से क्या करें, इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलेंगे हम लोग, तो क्या करना है आपको, इन क्वेश्चनों को देखना है और बार बार करना है, और आपको अगर ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो आप चाहो तो कैरी क्रिएटर प्लस ऐप पर भी अपने आपको सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ से क्वेश्चनों को ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए बाय।